कोरोना जब चल रहा था, जब लोग फेडअप हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, उस वक्त कुछ कंपनी ने दुनिया में टॉप किया, तो उनमें वन ऑफ देम आपने अमेज़न का नाम जरूर सुना होगा। तो ये जो अमेज़न है या ये जो तराज है या अलीबाबा है, इन्होंने किस मेथड को फॉलो किया? एक बात जिंदगी में आपने याद रखनी है, हर 15-20 साल के बाद दुनिया बदल जाती है। सर, मैं अगर 15 साल पहले वाली बातें करूंगा आपसे तो आपको उसका प्रॉफिट, उसका बेनिफिट नहीं होना। मैं अगर आपसे 2022, 2025, 2030, 2035, 2040 तक दुनिया में क्या होने वाला है ये बातें करूंगा तो आपकी जिंदगी में डेफिनेटली सक्सेस है। तो 15-20 साल पहले और 15-20 साल बाद में जमीन आसमान का डिफरेंस हो गया। आज की प्रेजेंटेशन का आगाज मैं एक सवाल से करने जा रहा हूं। आज से 10 साल पहले आपकी पॉकेट में कौन सा मोबाइल था और आज आपकी पॉकेट में कौन सा मोबाइल है? तो इट मींस कि उस वक्त नोकिया का दौर था और आज एंड्रॉइड का दौर है। अगर यहां पे हम 20 लोग बैठे हुए हैं, 20 में से किसी एक बंदे के पास तो एंड्रॉइड के अलावा मोबाइल हो सकता है, लेकिन 19 के पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन है। तो इट मींस एंड्रॉइड का दौर स्टार्ट हो गया। अंडरस्टैंड? अब जब कोरोना आया दुनिया में, तो पाकिस्तान में भी हम जो एवरेज लोग होते हैं, जिनका गुजारा महाना इनकम पे होता है, जिनका गुजारा दिन में कमाने के ऊपर होता है, जिन लोग को मतलब खड़ा करके गिर जाते हैं ना, हम तो एवरेज लोग हैं सर। एक महीना नहीं कमाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, सारे घर वाले परेशान हो जाएंगे, क्राइसिस में चले जाएंगे, मसाइल में चले जाएंगे, अल्लाह माफ करे ऐसी कंपनी में चले जाएंगे। तो जब कोरोना आया सारे लोग रो रहे। मैं रिसर्च कर रहा, मैं एक क्लिनिक पे बैठ के रिसर्च कर रहा था कि यार मेरा क्लिनिक में बैठ होगा, पैसे मिल रहे हैं, थोड़े मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन करोड़ों पाकिस्तानी ऐसे हैं जो जॉब लेस हो गए, जिनके बिजनेस तबाह हो गए, सर शॉप से बंद हो गई, रेस्टोरेंट बंद हो गए, हर चीज फ्लॉप हो गई। मैं सर सोच रहा था क्या करूं, तो मेरा विजन है, मैं बेसिकली नेटवर्कर हूं, आज से 12 साल पहले का नेटवर्कर हूं। लेकिन मैं ये सोचता था कि ऐसा सिस्टम ले आए जिससे हर बंदे का फायदा जुड़ा हुआ हो। तो सर मैं ये सिस्टम लेकर आया जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब देखना आपने है, समझना आपने है और काम भी आपने ही करना है। हम सिर्फ आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, बाकी यहां पे कोई आपका बॉस नहीं होगा। आपने अपनी मर्जी से चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना और एक्शन करना है। अगर ये आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप वो सक्सेस हासिल करेंगे। मैं 20 साल बाद की बात नहीं कर रहा, 10 साल बाद की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 365 दिन की बात कर रहा हूं। 365 दिनों में आप वो सक्सेस अचीव करेंगे जो हो सकता है आपके पास जो 20 साल आपने गुजारे हैं उसमें जो कामयाबी आपके पास नहीं आई है वो अल्लाह के फजल करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ड्यू टू सिस्टम आप सिर्फ 365 दिन में करेंगे। व्हाट इज सिस्टम? क्या सिस्टम है? इस सिस्टम की मैं बात करने जा रहा हूं। क्या कंपनीज है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, अर्निंग का प्लान क्या है, आपको क्या करना है, आपको कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, पर डे आप कितना कमाएंगे, मंथली आप कितना कमाएंगे, इंसेंटिव की बात में आप कितना कमाएंगे, ये सारी बातें आपके साथ करने जा रहे हैं। इसलिए आपको बहुत ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा तवज्जो चाहिए। जिनके पास डायरी बॉल पेन है वो चीजें राइट डाउन कर लें, जिनके पास नहीं है वो कोशिश किया करें अपनी आदत बनाएं। कामयाब लोगों में से एक हैबिट उनकी ये भी होती है कि वो हर चीज को रिटर्न लिखते हैं। ये भी कामयाब लोगों की आदत होती है, क्योंकि हर 48 घंटे बाद, हर 72 घंटे बाद रूटीन की चीजें आपका ब्रेन डिलीट करते हैं। आज से 10 दिन पहले दिन के खाने का आपने क्या खाया आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन आज सुबह नाश्ते में क्या खाया आपको पता है। विच मीन्स पुरानी चीजें इंसान का ब्रेन डिलीट करता है, जिसकी अगर लिखी होंगे तो आपको याद रहेंगी और आप कामयाब हो जाएंगे। आते हैं जी प्रेजेंटेशन के ऊपर, लिखा हुआ है ग्रीन लीफ ई कॉमर्स प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन। ये बेसिकली बिजनेस प्रेजेंटेशन है। सर एक बात जिंदगी में याद रखिएगा, थोड़ा सा जो सच होता है वो कड़वा होता है। जॉब के अंदर आप गुजारा तो कर सकते हैं, लेकिन जॉब के अंदर आप करोड़पति नहीं हो सकते, आप अरबपति नहीं हो सकते, आप प्लाजे के मालिक नहीं हो सकते,
आप बड़ी महंगी गाड़ियां नहीं रख सकते, हाँ गुजारा जरूर कर सकते हैं। तो यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं ई कॉमर्स की। किसकी बात करने जा रहा हूं? आवाज नहीं आ रही। ई कॉमर्स की बात करने जा रहा हूं। ई कॉमर्स एक न्यू ईरा ऑफ द बिजनेस है, एक नए दौर का एक नया बिजनेस है, दौरे हाजिर का एक बड़ा बिजनेस है। अब जब दौरे हाजिर का बड़ा बिजनेस है तो हमने इसको बड़े विजन से देखना है, बड़ी सोच से देखना है। अगर हम छोटी सोच रख के बड़ी चीज को देखेंगे तो बड़ी चीज हमारी समझ से बालातर हो जाएगी, हमारी समझ से ऊपर से गुजर जाएगी। तो बड़ी चीज को बड़े विजन के साथ, बड़ी सोच के साथ आपने देखना है, ताकि आपका जो लेवल है और जो प्रेजेंटेशन का लेवल है इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। जब इसकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो आपको चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी, आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट कीजिएगा, बात की अमेज़न की मैंने। अमेज़न ने 2016 में अपने बिजनेस का आगाज किया इंटरनेशनल लेवल पे, और ठीक इसने 3 सालों में दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि सबसे तेज तरीन अमेज़न ने बिजनेस किया, 232.9 बिलियन US डॉलर सिर्फ 3 सालों में इसने वर्ल्ड का रिकॉर्ड ब्रेक कर। बहुत बड़ा बिजनेस है, इन्होंने जो है वो लेवल अचीव किया है। तो मैनी कंपनीज दुनिया के अंदर ई कॉमर्स मॉडल्स पे काम कर रही हैं, और हमारा इदारा भी इसी मॉडल पे पाकिस्तान में काम कर रहा है। अंडरस्टैंड, ये मॉडल क्या है, आप काम कैसे करेंगे, आपकी इनकम जनरेट कैसे होगी, ये अगली स्लाइडों में इंशाल्लाह जो है वो डिटेल के साथ इन चीजों को डिस्कस करने जा रहा हूं। नेक्स्ट कीजिएगा, इदारे का इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूं। ग्रीन लीफ इंट्रोडक्शन ये है कि सुजो नेशनल हाईटेक जोन है, वहां पे ये इदारा वाक्य है, और 139.8 मिलियन आरएमबी इसके ऊपर रजिस्टर्ड कैपिटल लगा हुआ है, 106,800 स्क्वायर मीटर की जगह है जहां पे ये इदारा मौजूद है। हाईटेक ग्रुप है, रिसर्च इसकी अपनी जाती है, डेवलपमेंट जाती है, मैन्युफैक्चरिंग जाती है, और इंटरनेशनल लेवल पे ये कॉर्पोरेशन है, और ये ब्रांड्स मार्केटिंग कर रही है। कौन सी मार्केटिंग कर रही है? ब्रांड्स मार्केटिंग कर रही है। यहां पर मैं एक चीज आपके साथ रखने जा रहा हूं, जो अमेज़न है ना, अमेज़न के पास भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास भी प्रोडक्ट्स हैं, दराज के अंदर भी प्रोडक्ट्स हैं, अलीबाबा के पास भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हम भी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन दराज की अपनी प्रोडक्ट्स नहीं होती, अमेज़न की जाती प्रोडक्ट्स नहीं है, वो कंपनीज की प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, वहां पे लोग वर्क करते हैं, वर्क क्या करते हैं, अपने बायर क्रिएट करते हैं और वहां से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तवज्जो से बात को समझना है, हमारा इदारा क्या कर रहा है, हमारा इदारा कहता है मैन्युफैक्चरिंग भी हम कर रहे हैं, रिसर्च भी हम कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम ब्रांड सिस्टम के जरिए, यानी हमारे 12 फेमस ब्रांड है, 12 जाती ब्रांड है, इन 12 ब्रांड्स के लिए दुनिया के अंदर अपना एक सिस्टम दे रहे हैं, और उस सिस्टम के अंदर लोग बायर क्रिएट नहीं करते, जस्ट यूजर बनते हैं, और वो सारा प्रॉफिट जो इदारा दे रहा है वो सारे प्रॉफिट के अंदर आप बन जा रहे हैं। बात फॉलो कर नेक्स्ट कीजिएगा जी, ये इदारे के अपने जाते एसेट्स हैं, जाती सासा जाते हैं, जाती बिल्डिंग्स हैं जो आपको नजर आ रही है, इसके रिसर्च सेंटर है, प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, इदारे के पास एक नहीं दो नहीं 6 ग्रैंड फैक्ट्रीज हैं जहां पे उत्कृष्ट प्रोडक्ट्स तैयार की जा रही है, और हमारी सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक सोर्स से बनती हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स इदारा बनाता है। इसका स्लोगन है हाई क्वालिटी रीजनेबल प्राइस एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। हम हाई क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और रीजनेबल प्राइस पर इंशाल्लाह हम मार्केट्स में देंगे लोगों को, और इसके ऊपर जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो आम जिंदगी में मिडिल मैन को मिलता है, आम जिंदगी में होलसेलर को मिलता है, आम जिंदगी में एडवर्टाइजमेंट वाले को मिलता है, और यहाँ पे उनको नहीं मिलेगा बल्कि आप भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, इसका बैकअप क्या है, इसके ऊपर इंशाल्लाह तफसील से बात करूंगा। नेक्स्ट आगे चलिएगा, प्रोडक्शन प्लांट्स और इसके साथ इसका मार्केटिंग सेंटर आगे चलिएगा। ये विलियम शूज के मालिक हैं, एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, जानी पहचानी शख्सियत है, हमारा एक इंटरनेशनल ब्रांड है मार्विजिया के नाम से, ये उसके फाउंडर हैं, मालिक हैं, और ये सीईओ हैं ग्रीन लीफ ई कॉमर्स फार्म माल के, ये मालिक भी हैं और एक बहुत ही मशहूर और मरूफ शख्सियत के मालिक हैं। नेक्स्ट कीजिएगा, 6 फैक्ट्रीज मैंने आपके साथ शेयर की, इसके 6 बड़े
प्रोडक्शन प्लांट है जहां के ऊपर जो ट्रैक्स बन रही है। नेक्स्ट आगे चलिएगा, ये इसके इंटरनेशनल लेवल पे तमाम जो सर्टिफिकेशंस है कंपनी की, जीएमपी की सर्टिफिकेशन इसके पास मौजूद है, ISO 9000, ISO 14001, हलाल मलेशिया उन्माय काउंसिल के सर्टिफिकेट इसके पास मौजूद है, FDA फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका का सर्टिफिकेट इसके पास मौजूद है। इदारा 1996 से प्रोडक्ट्स बना रहा है, कब से बना रहा है, 1996 से 96 से ये प्रोडक्ट्स बना रहा है, लेकिन इसने पुराने जो मॉडल था ट्रेडिशनल मॉडल था उसको बदला और 2016 के बाद इसने भी ई कॉमर्स मॉडल के ऊपर काम शुरू किया। नेक्स्ट कीजिएगा जी, ट्रैक सेलिंग का लाइसेंस इसने हासिल किया सूजो से 16 मार्च 2016 से इसने आवाज किया और इंटरनेशनल मार्केट में इसने कदम रखा। नेक्स्ट कीजिएगा, यकम इसकी मजीद डिटेल में जाने के लिए एक शॉर्ट सा प्रोफाइल आपके सामने रखूंगा, इस प्रोफाइल को इनहाइट तवज्जो के साथ आपने देखना है, मैं कोशिश करूंगा प्रोफाइल अगर 5 मिनट तक मैं आपके साथ सिर्फ 1 मिनट शेयर करूं क्योंकि आगे मैंने कुछ तफसीलन आपके साथ डिटेल बात करनी है। जी म्यूजिक कैन ट्रांसेंड टाइम एंड डिस्क्राइब मीनिंग टू लाइफ ग्रीनली is creating a new world for music with passion and idealism. This is an international comprehensive industrial park. Greenleaf Science and Technology Group is rushing forward and running efficiently as though a commercial vessel presenting beauty. Various functional centers, including scientific and technical R&D, production and manufacturing, administration, marketing, customer service, work closely to consistently provide high quality products and dedicated services for customers, creating a business platform that makes dreams come true. Adhere to the core culture, family, harmony, fast, win, beauty, loyal, honest of Chairman William Hsu, the people of Greenleaf strive for perfection and excellence based on independent research and development of daily chemical products over the last 20 years. Greenleaf has improved constantly in scientific and technological strength. It has gradually developed into a leading scientific and technological leader in China's daily chemical industry. Since 2011, Greenleaf has cooperated with Italian Intercos Group, an international cosmetics giant, Swiss CRV, Switzerland National Center for Skincare Research, and Jiangnan University, top cosmetics research institute in China, in the high-end R&D of the international daily chemical industry. Greenleaf's production and manufacturing center is a production plant for beauty, health, and wealth. The entire facility has passed ISO 22716 quality certification and SGS GMP certification and reached a cleanliness standard at levels 100,000. G. इंटरनेशनल मार्केट में इदारे ने कदम रखा 11 अप्रैल 2019 में मलेशिया के अंदर और 18 मई को इसने ऑफिशियल लॉन्चिंग की मलेशिया में। हमारा जो वहाँ का H2 है वो सनवेव प्लास्टिक कुआलालंपुर के अंदर मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से मेरी टीमें वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही है, बड़े अच्छे लेवल पर काम कर रही है। पाकिस्तान में ये इदारा जो है वो 2020 में आया था, कोरोना की वजह से आपको पता है पाकिस्तान का हालात बहुत ज़्यादा खराब थे, ये अपने काम को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सका क्योंकि उस वक्त बिल्कुल इसकी फाउंडेशन बन रही थी और इसका प्रॉपर हमने आगाज किया 2022 के अंदर पाकिस्तान में, बड़े अच्छे लेवल का आगाज किया। आपका जो शुमार है वो पाइनियर लोगों में आ रहा है, फाउंडेशन के लोगों में आ रहा है, आप शुरू के लोगों में आ जाएंगे और इतना बड़ा इदारा है कि इसके साथ मुंसलिक होकर आप अपने ख्वाब पूरे करेंगे, अपनी फैमिली के ख्वाब पूरे करेंगे और अपने माशरे के जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, उनके लिए आप एक मिश्र राह बनेंगे, उनके लिए एक अच्छा गार्डियन सब करने वाला बनेंगे, तो ये सारा कुछ आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा, आगे क्या लिए जी, चार मॉडल्स पे हम काम कर रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि
किस तरतीब से हम काम कर रहे हैं। माइंड एक सवाल आता है कि हमारा जो काम करने का तरीका ही कौन है, वो कौन सा है। तो हमारे पास बेसिक्स चार तरीके हैं जिसके मुताबिक हम जो है मॉडल पे काम कर रहे हैं। पहला मॉडल बड़ा जबरदस्त है और दूसरा उससे ज्यादा पावरफुल है और तीसरा उससे ज्यादा पावरफुल है और फोर्थ नंबर पे सबसे ज्यादा पावरफुल है। तवज्जो है। तो चारों के चारों मॉडल बड़े यूनिक। पहला मॉडल है जी न्यू रिटेल। ये हर बंदे को बात समझ आने वाली है। न्यू रिटेल का मतलब होता है कि जैसे एक दुकानदार होता है, दुकानदार बाजार में आके चीजें खरीदता है होलसेल रेट पे और अपनी दुकान पे रख के, अपनी शॉप पे रख के उनको रिटेल कर देता है, तो इसको बोलते हैं न्यू रिटेल। अब आपको एक शैंपू चाहिए होता है, वो शैंपू आप बाजार से खरीदते हैं, आपको होलसेल रेट पे मिलता है या रिटेल पे मिलता है? गिव मी आंसर यार। कॉलेज की क्लास नहीं है, स्कूल की क्लास नहीं है, इसमें आप बोल सकते हैं। मैंने आपसे पूछा है, आप बाजार में जाते हैं अपने मोहल्ले के अब्दुल मजीद के पास और उससे एक शैंपू खरीदते हैं, वो आपके मोहल्ले के मजीद साहब आपको शैंपू रिटेल प्राइस पे देंगे या होलसेल प्राइस पे देंगे? फिर आपसे दूसरा सवाल ये है कि वो जो मजीद साहब हैं, उन्होंने जो शैंपू खरीदा था वो रिटेल पे खरीदा था या होलसेल पे खरीदा था? इसका मतलब है होलसेल में और रिटेल के अंदर जो फ्लक्चुएशन है पैसे की, वो पैसा उस मजीद साहब का प्रॉफिट होगा। वो कितना प्रॉफिट होगा वो आपको मजीद साहब को पता है। यहाँ पे जब आप आके इदारे के साथ ई शॉप लेते हैं, कौन सी शॉप सर? ई शॉप। ई शॉप का मतलब होता है ऑनलाइन शॉप, आपको मिलती है और आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, एंड्रॉइड यूज करते हैं, आप घर में बैठ के, आप अपनी जॉब के अंदर रह के, आप हजारों रुपए शुरू में कमाएंगे और आफ्टर 3-4 मंथ आप लाखों रुपए इंशाल्लाह के फजल करम से कमाएंगे। जस्ट यू यूज द सेल फोन, इसको बोलते हैं ई शॉप। क्या बोलते हैं जी? ई शॉप, ऑनलाइन शॉप। अच्छा, जब आप ऑनलाइन शॉप ले लेंगे तो इदारे में आपको जो भी चीज मिलेगी वो डिस्काउंट रेट पे मिलेगी। कितना डिस्काउंट मिलेगा? हर प्रोडक्ट पे 10% से लेकर 50% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी 10% से लेकर 50% तक आपको हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलेगा। अब सवाल पैदा होता है, प्रोडक्ट कौन सी हैं? तो प्रोडक्ट वही हैं जो हर घर में इससे पहले इस्तेमाल हो रही हैं। इनको कहा जाता है FMCG प्रोडक्ट्स। FMCG प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो ऑलरेडी हमारे घरों में शैंपू की सूरत में, ऑलरेडी पेस्ट की सूरत में, जूतों कपड़ों की सूरत में, परफ्यूम की सूरत में, गारमेंट्स की सूरत में हमारे घरों में यूज हो रही हैं, वो सारी की सारी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और उन्हीं प्रोडक्ट्स पे आप एक बड़े लेवल का बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। मेरा आपसे दूसरा सवाल है, तवज्जो है। आप जो महीने में पैसे कमाते हैं, चाहे आप 50,000 कमाते हैं या आप 3 लाख कमाते हैं, मैं आम जिंदगी की बात कर रहा हूं, वो पैसे आप कहां पे लगाते हैं? भाई जो हम पैसे जनरेट करते हैं आम जिंदगी में, जॉब में जनरेट करता है, कोई बिजनेस में जनरेट करता है, वो पैसा हम मार्केट में दोबारा खर्च कर देते हैं शैंपू की सूरत में, टूथपेस्ट की सूरत में, टिश्यू की सूरत में, सेवन अप की सूरत में, जूतों की सूरत में, कपड़ों की सूरत में। जहां पे इदारा कहता है वही प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, वो जो 50,000 आप मार्केट में लगाते हैं, अब आपने मार्केट में नहीं लगाना बल्कि ई शॉप लेके यहां से प्रोडक्ट लेके घर में यूज करेंगे तो वो आपकी बचत होगी और अगर किसी को रेफर करेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा। आप मुझे बताएं, मुझे बताएं, कोई बंदा ये कैसा है, मुझे समझ नहीं है। इतना मैं आसान तरीके से समझाता हूं कि हर बंदे को समझ आ जाती है। शर्त ये है कि बंदा गुंडा ना हो, बहरा ना हो, बेशक अंधा हो तब भी समझे। हेलो करके अब दूसरा हमारा मॉडल है न्यू ई कॉमर्स। न्यू ई कॉमर्स का सिंपल सा मतलब है लोग घर बैठे हुए हैं,
लोग घरों में ऑर्डर करते हैं,